धन्यवाद सभापति महोदय, उपसभापति महोदय। और ये मेरा मेडन स्पीच है। माननीय उपसभापति महोदय, आज वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारामन, इन्होंने जो सप्लीमेंट्री डिमांड के लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूँ। समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि ये सप्लीमेंट्री डिमांड की राशि मांगी गई है किसानों के लिए, जवानों के लिए और गरीब के कल्याण के लिए। हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते थे और कहते भी है कि वो अपने नहीं होते जो रोने पे आते हैं, वो अपने होते हैं जो रोने ही नहीं देते। और वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है कि जिन्होंने कोरोना के काल में गरीबों को रोना नहीं चाहिए, इसलिए 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का कर्तव्य निभाया। अहंकार नहीं है, कभी उन्होंने अहंकार नहीं जताया, लेकिन लोग ही आज बोल रहे धन्यवाद मोदी जी। हमारे महाराष्ट्र से 1.5 लाख से ज्यादा पत्र मोदी जी को गए, धन्यवाद मोदी जी। और अभी अक्टूबर से दिसंबर तक उसका एक्सटेंशन देने के लिए जो बिल लाया है, राशि मांगी गई है, उसका समर्थन न करे तो क्या करे। समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि किसानों को खादों के ऊपर सब्सिडी नहीं दी होती तो किसान कैसा यूरिया डाल सकता था, किसान कैसा डीएपी डाल सकता था, कि डीएपी 3500 रुपए का डीएपी अफोर्ड कर सकता था, यूरिया 2000 रुपए का अफोर्ड कर सकता था। यानी किसानों का उत्पादन खर्चा 10 गुना होने की संभावना जब थी, तब किसी ने डिमांड नहीं की थी, कई स्ट्राइक नहीं हुए थे, कोई किसानों का आंदोलन नहीं हुआ था। सुमोटो प्रधानमंत्री जी ने यह सब्सिडी जाहिर की और किसानों की खाद की कीमत बढ़ेगी नहीं, वही रहेगी, 250 यानी 250 रुपए की यूरिया की बैग मिलेगी, यह प्रधानमंत्री जी ने तय किया। इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूं कि 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी और देना है, यानी टोटल 2 लाख करोड़ होने वाले है, इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूं। मुझे तो आश्चर्य लगता है हमारे महाराष्ट्र के कुमार जी केतकर जो सांसद है, सीनियर पत्रकार है, वो बोल रहे थे कि ये मिस अप्रोप्रिएशन बिल है, मिस मैनेजमेंट बिल है। ऐसा गरीबों के लिए जो अप्रोप्रिएशन बिल ला रहा है, कांग्रेस बोलती होगी कि ये मिस अप्रोप्रिएशन है, तो इसका मैसेज कांग्रेस के बारे में क्या जाएगा, उसकी फिक्र भी वो करते नहीं है। वो सच में बड़ी आश्चर्य की बात है। मुझे याद है उपसभापति जी कि कोरोना का काल शुरू था, मैं टीवी के सामने बैठा था, वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारामन, इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जाहिर किया था। और वो जाहिर करते वक्त दूसरे दिन, मुझे लगता है दूसरा या तीसरा दिन होगा, कि एग्रीकल्चर के लिए उसमें 3,10,000 करोड़ रुपए का पैकेज जाहिर किया, उसमें से प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि चिन्हांकित की गई। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी राज्यों के माध्यम से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी स्कीम में पोस्ट हार्वेस्ट के लिए कोल्ड स्टोरेज करना हो, गोडाउन करना हो, पोस्ट हार्वेस्ट का ग्रेडिंग करना हो, उसके लिए 2 करोड़ की सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी मिल रही, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ डबल इंजन की सरकार है अभी, वहां पे तो स्मार्ट की योजना है, तो स्मार्ट की योजना को भी उससे कन्वर्जेंस किया गया, पोखरा की योजना में उसका कन्वर्जेंस किया गया। यानी किसानों का हार्वेस्ट निकलने के बाद में उसका स्टोरेज होना चाहिए, यह बात तय प्रधानमंत्री जी ने की। प्राइम मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 15,000 करोड़ रुपए का था। आपको बताया कि जानवरों को बरसातों के दिन में फुट एंड माउथ डिसीज होता है, उसको खुरी रोग बोलते हैं, वो सभी जानवरों का फ्री वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री जी के इस फंड से किया गया। इतना ही नहीं तो बीज के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय बोलते थे कि
कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम मिलना चाहिए। हर खेत को पानी मिलने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जब लाई गई तो 100 लाख हेक्टेयर का उसका टारगेट रखा गया। आज मैं खुशी से यह बताना चाहता हूं कि आज 75 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचन इसके माध्यम से हुआ है और किसानों के खेत को पानी मिला तो किसान सोना पैदा करता है। और किसानों के खेत के लिए पानी मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लाई है अमृत सरोवर योजना, सभी लोग, सभी सांसद हो, कोई भी पार्टी के हो, जो भी एरिया में हो, किसानों का भला चाहते होगे तो अपने गांव में एक सरोवर अमृत सरोवर का निर्माण होना चाहिए। उसके वजह से वाटर परकोलेशन से अच्छी तरह से पानी भी जमीन में जाता है और ड्रिप इरिगेशन के उसके माध्यम से कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विदर्भ में दो पार्ट है, पूर्व विदर्भ और पश्चिम विदर्भ। कांग्रेस की, मैं सच में बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस की नीति ऐसी थी किसानों के बारे में कि पश्चिम विदर्भ पीछे रह गया। 8% इरिगेशन सिर्फ पश्चिम विदर्भ में हुआ और उसके वजह से पश्चिम विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्या 1991 के बाद में शुरू हो गई। आत्महत्या इसलिए हुई कि इरिगेशन बहुत कम था। और आज इस पश्चिम विदर्भ में मैं वित्त मंत्री जी के माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि पश्चिम विदर्भ के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलने के लिए वैनगंगा पैनगंगा प्रकल्प, ये जो नदी जोड़ प्रकल्प है, जो पूर्व विदर्भ वाटर सरप्लस एरिया है और पश्चिम विदर्भ वाटर डेफिसिट एरिया है, तो इसके माध्यम से एक DPR जलयुक्त प्राधिकरण ने तैयार किया है। इसके माध्यम से पश्चिम विदर्भ के 3,71,277 हेक्टर जमीन सिंचित हो सकती है, 1,884 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निर्माण हो सकती है और इस प्रोजेक्ट की वजह से 11,799 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है, 20 लाख रोजगार निर्माण हो सकते हैं, 38 गांव में इसके वाटर स्टोरेज निर्माण हो सकते हैं और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 60,000 करोड़ रुपीज है। उसका बेनिफिट कॉस्ट रेशो 1.74 है। मैं इस माध्यम से विनंती भी करना चाहता हूं कि ये नदी जोड़ प्रकल्प को, वैनगंगा पैनगंगा प्रकल्प को राष्ट्रीय प्रकल्प करके करार देके केंद्र सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को, पश्चिम विदर्भ को ये वरदान साबित होने वाला प्रोजेक्ट सुपुर्द करे, ऐसा भी मैं बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि किसानों ने इस काल में मोदी जी के आह्वान को अच्छी तरह से एक इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि एपेडा के माध्यम से जो एक्सपोर्ट होने वाला था, ये एक्सपोर्ट अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक 11,056 मिलियन डॉलर था और इस वक्त यह एक्सपोर्ट 13,771 मिलियन डॉलर हो गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मोदी जी के माध्यम से इस कोरोना के काल में जाहिर हुआ था कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करें। आज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण, उसका सबलीकरण तथा उसका संचालन के माध्यम से एक जन आंदोलन निर्माण हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन निर्माण हो गई, 2,000 रुपये उसके एक एक सदस्य का शेयर मिल गया तो उतना ही इक्विटी ग्रांट सरकार के माध्यम से दी जाती है, यानी 15 लाख रुपए का कैपिटल किसानों का होता है, 15 लाख रुपए का कैपिटल इक्विटी ग्रांट के माध्यम से सरकार देती है। इतना ही नहीं तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से संचालित चले उसके लिए 6 लाख रुपए ऑफिस ग्रांट हर साल सरकार देती है, यानी 18 लाख रुपए उसके संचालन के लिए केंद्र सरकार देती है। आज 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से
एक बात है कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किसानों को अच्छी तरह से सस्ता इनपुट भी मिल सकता है और किसान डायरेक्टली मार्केट से लिंकअप हो सकता है और उसके वजह से एक अच्छी तरह से सौगात दी गई है। एक आखिरी की विनंती मैं करना चाहता हूं इस माध्यम से कि एनडीआरएफ के नॉर्म्स 2015 में सरकार ने ठहराए गए थे। एनडीआरएफ के नॉर्म रेनफेड एरिया के लिए 6,000 रुपये प्रति हेक्टर है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेज फंड के, और बागायती के लिए 13,200 है यानी इरिगेशन के लिए, और बागायती के लिए 18,000 है। इस वक्त महाराष्ट्र के वित्त मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने सुझाव दिया है कि एनडीआरएफ के नॉर्म से दुगुने की जाए और महाराष्ट्र में वैसा दिया गया है, 2 हेक्टर से 3 हेक्टर तक उसकी लिमिट बनाई गई है। एक मिनट, तो इसलिए मेरी यही विनंती है कि एनडीआरएफ के नॉर्म्स में भी बदलाव किया जाए। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और इतना ही बोलना चाहता हूं कि सिर्फ बोलने से तय नहीं की जाती है मंजिल, धन्यवाद, काम करने की जिद भी धन्यवाद दिल जीतने के लिए चाहिए, वह काम करने की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी में है, इसलिए उनके धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।